जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। जंगल राज तो केंद्र में है, जहां भाजपा के एमपी भी चू तक नहीं कर सकते। नीतीश जी खड़े होकर के क्या बोले थे, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, यानी उस समय भी अपनापन था, उस समय भी रिश्ता था, उस समय भी विश्वास था, भरोसा था। नीतीश जी, हमने उन पे आरोप लगाया, उन्होंने हम पर आरोप लगाया, लेकिन हम लोग एक घर के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, और हम आपको कह सकते हैं कि हर घर में झगड़ा होता रहा है, लेकिन देश के हालात को देखते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ये समाजवादियों की जो विरासत है, जो हमारे पुरखों ने हमको दिया है, हमसे कोई और नहीं छीनेगा। और आप तो जानते हैं, एक वाक्य हुआ था विधानसभा में, जहां गुस्से में हम लीडर ऑपोजिशन थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नई नई सरकार बनी थी चुनाव के बाद, 20 के बाद। नीतीश जी खड़े होकर के क्या बोले थे, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, यानी उस समय भी अपनापन था, उस समय भी रिश्ता था, उस समय भी विश्वास था, भरोसा था। दूसरी वाक्य हम बताना चाहते, नीतीश कुमार जी ने बोला था, बाबू बैठ जाओ, किसी मुद्दे को लेकर के हम खड़े थे तो बाबू बैठ जाओ, तो एक तरह से वो आदेश भी था और प्यार भी था, हमारे लिए तो आशीर्वाद भी था, और हम चुपचाप बैठ भी गए थे। तो हम लोग भले ही लड़े हो, झगड़े हो, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई मुद्दा आता है तो हमारी जवाबदेही है। जब आप दंगा फसाद कराना चाहते हो, क्योंकि बिहार असेंबली में भाजपा के लोगों ने क्या कहा था, मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट जो है वो छीन लेना चाहिए, तब जाकर के हम खड़े होकर के बोले थे, किसी माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका वोटिंग अधिकार छीन लें। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि अलग अलग भाषा, अलग अलग हम पहनावा, अलग अलग राज है, अलग अलग खान पान है, लेकिन यही जो डाइवर्सिटी है इस देश की, यही इस देश की खूबसूरती है। तो इसने देश को बचाना है, इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ एक हुए हैं। इसके बाद आपका कोई सवाल बीजेपी आरोप लगा रही है, एक मिनट, आप पहले ही तो अमित शाह वहाँ से लौटे और उन्होंने कहा क्या कि नेता हमारे नीतीश कुमार जी, और जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। जंगल राज तो केंद्र में है, जहाँ भाजपा के एमपी भी चू तक नहीं कर सकते, जहाँ तानाशाही है, कहाँ ऐसा मा? और जंगल राज का अगर विश्लेषण करोगे तो डेटा होना चाहिए ना, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। आप छोड़ो जंगल राज कहते तो एनसीआर भी, भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का आप डेटा उठा करके देख लीजिए, बिहार कौन से स्थान पे है, दिल्ली कहाँ पे है जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। अरे भाई, कथनी और कहानी से अब देश चलने वाला है क्या, परसेप्शन बदलने वाला है क्या, अब सच्चाई आएगी, बाहर निकलेगी, और आप देख नहीं रहे हैं। ये भाजपा वालों को हमने लाइन पर ला दिया, कैसे लाइन पर ला दिया, और जो समर्थित बीजेपी माइंडसेट के लोग थे आज वो भी सवाल पूछ रहे कि रोजगार कब दोगे, कब आप बेरोजगारी मिटाओगे, 10 लाख का क्या होगा, जो असल मुद्दा है। अब भाजपा के लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि रोजगार का क्या हुआ, यानी हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही थी, हमारी उपलब्धि है।